पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाए। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में बच्चों हम लीनियर ब्लॉक कोड्स पढ़ेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द बेसिक्स ऑफ अ ब्लॉक कोड एंड वी आर डन विद द सिंगल पैरिटी चेक कोड एंड टुडेज टॉपिक इज लीनियर ब्लॉक कोड। क्लियर है? अब सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में एक या दो मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं रिगार्डिंग डेफिनेशन या चेक करने को कि वेदर अ गिवन कोड इज लीनियर और नॉट। चलिए, तो द डेफिनेशन सेज अ ब्लॉक कोड इज सेट टू बी लीनियर इफ इट फॉलोज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब बच्चों लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब हुआ, अगर मेरे पास एक सेट में से 8 कोड वर्ड है तो वो सेट लीनियर कोड वर्ड का सेट तभी होगा जब मैं किन्हीं भी दो कोड वर्ड्स को ज्वाइन करूं तो मुझे जो नया कोडवर्ड मिले या जो नया बिट्स का कॉम्बिनेशन मिले दैट शुड ऑल्सो बी अ वैलिड कोडवर्ड इन द सेम सेट। अगर मेरे पास 8 सेट हैं कुछ कोडवर्ड्स के और मुझसे पूछा जाता है कि आई हैव टू चेक वेदर दे आर लीनियर और नॉट, तो व्हाट आई नीड टू डू इज मैं कोई भी दो कोडवर्ड उठाऊंगा उनको एड करूंगा। अगेन बच्चों एड का मतलब मॉड्यूलो 2, मैं दोनों पे मॉड्यूलो 2 ऑपरेशन लगाऊंगा। जो मुझे आउटपुट मिल रहा है सी के, इफ दैट इज ऑल्सो अ वैलिड कोडवर्ड इन द सेम स्पेस देन आई विल से दैट द सेट ऑफ द कोडवर्ड्स इज अ लीनियर कोडवर्ड। क्लियर है? अब लीनियर कोडवर्ड की बच्चों दो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जो मुझे चेक करना बहुत जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी है, मुझे जो सेट दिया गया है कोडवर्ड्स का उसमें देयर शुड बी अ ऑल जीरो कोडवर्ड। ऑल जीरो कोडवर्ड इज अ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट। क्लियर है? दूसरा है लीनियरली प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी बेसिक डेफिनेशन है। थर्ड वन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच सेज मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू मिनिमम। डब्ल्यू मिनिमम इज द वेट ऑफ एनी नॉन जीरो कोडवर्ड। वेट का मतलब होता है बच्चों वो पोजिशन जो नॉन जीरो है या जहां पर वन है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपल अपने कोडवर्ड में नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट कर लेने हैं। ध्यान रखना है ऑल जीरो कोडवर्ड को नहीं लेना है क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी कोई वन नहीं है, तो उसके लिए तो डब्ल्यू मिन हमेशा जीरो ही होगा, तो वो मुझे नहीं लेना है। मुझे उसको छोड़ के बाकी सभी में वेट्स कैलकुलेट कर लेना है। वेट्स मतलब किसमें कितने वन है, उनमें से जो मिनिमम वेट है वही मेरे कोड का डी मिनिमम होगा। और डी मिनिमम की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। डी मिनिमम टेल्स अस द एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कैपेबिलिटीज ऑफ एनी ब्लॉक कोड। डी मिनिमम की हेल्प से ही मैं ये बता सकता हूं कि गिवन कोडवर्ड कितने एरर्स डिटेक्ट कर सकता है और कितने एरर्स को करेक्ट कर सकता है। क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, इट वॉज इजी। चलिए, तो अब वील बी डिजाइनिंग द कोडवर्ड बाई मेट्रिसिस मेथड। लास्ट लेक्चर में आई आस्क यू ऑल टू रिवाइज ऑल द मेट्रिक्स कॉन्सेप्ट, आज हम वो सब यूज करेंगे एंड वील डिटरमाइन कि हम कैसे लीनियर ब्लॉक कोड हैमिंग कोड डिजाइन करते हैं, कैसे उसे डीकोड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पैरामीटर है दैट इज जनरेटर मैट्रिक्स। क्लियर? मैं मान लेता हूं मेरा n, k का कोडवर्ड है, n, k का कोडवर्ड है मीन्स n इज टोटल बिट्स, n इज द टोटल बिट्स, k इज द इन्फो बिट्स एंड पैरिटी बिट्स आर n माइनस k। तो देर इज अ प्रॉपर्टी थ्रू विच वी जेनरेट द कोडवर्ड एंड द जेनरेशन इज लाइक c इज इक्वल टू आई जी। ध्यान रखेंगे c इज इक्वल टू आई जी वेयर आई इज द इंफॉर्मेशन बिट एंड g, दिस कैपिटल g इज योर जेनरेटर मैट्रिक्स।
this is your generator matrix. Generator matrix plays a very vital role in designing the code. अब इस generator matrix का order या size कैसा होता है वो आप देख लीजिए. This generator matrix is ik into p. Clear? Note करके चलेंगे. Where ik is your identity matrix, ik is your identity matrix and p is your parity matrix. ध्यान रखेंगे p is your parity matrix. अभी जैसे जैसे questions करते जाएंगे you will get to know कि कैसे मैं सारी matrices निकालूंगा. ये matrix मुझे question में हमेशा given होगी. ध्यान रखेंगे ये matrix मुझे question में हमेशा given होगी. The order of generation matrix is order बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना है. This is very important. सभी matrices का order याद रखना बहुत important है. तो मेरा generator matrix का order होता है k cross n. Clear? तो k cross n matrix को जब मैं information bit से multiply करता हूं यहां पर तो I get the code word. Clear? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. मैं आपको एक जनरेटर मैट्रिक्स देता हूं और वहां से हम विल ट्राई टू डिजाइन अ कोड वर्ड. फाइन, चलिए इसको नोट कर लीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड विद एग्जांपल. चलिए तो मुझे दिया हुआ है देयर इज अ 6 क्रॉस 3 लीनियर ब्लॉक कोड एंड जनरेटर मैट्रिक्स इज जी इज दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 1 and 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 and 1 1 0 1 1 0. This is a given generator matrix and we have to determine all the code words. Clear? Code का parameter है 6, 3. That means n is 6, k is 6, and 3, r is 3. That means I will have 3 parity bits in every code. हर code में मेरे पास 3 parity bits होंगी. Clear? अब सबसे पहले मुझे मालूम है कि g का order होता है k cross n. तो एक habit बना लो बच्चों कि हर मैट्रिक्स के बगल में उसका ऑर्डर लिखेंगे. ऑर्डर लिखने से आपको याद हो जाएगा और न्यूमेरिकल में एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. फाइन, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जिनको नहीं पता उनको बता दूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं. डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, बाकी सभी एलिमेंट्स आर 0. क्लियर? तो इस जनरेटर मैट्रिक्स से अगर इतना हिस्सा मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है तो ऑब्वियसली दिस विल बी माय पैरिटी मैट्रिक्स. दिस विल बी माय पैरिटी मैट्रिक्स. तो क्वेश्चन में अगर जनरेटर मैट्रिक्स दी है तो आई कैन इजीली डिटरमाइन द पैरिटी मैट्रिक्स. पैरिटी मैट्रिक्स मेरी कितनी हो गई? पी. पी मैं अलग से लिखूं 0 1 1 1 0 1 1 1 0. तो दिस इज हाउ आई डिटरमाइन द पैरिटी मैट्रिक्स फ्रॉम जनरेटर मैट्रिक्स. अभी डिकोडिंग में मुझे पैरिटी मैट्रिक्स का जरूरत पड़ेगा. फाइन, अब मेरा क्वेश्चन था आई हैड टू डिटरमाइन ऑल द कोड वर्ड्स. अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो n कॉमा k मतलब मैसेज की मेरे पास 3 बिट्स हैं. तो 3 बिट से मैं 2^3 इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन बना सकता हूं. क्लियर है? तो एक बार मैं 8 कॉम्बिनेशन बनाता हूं i0 i1 i2. ध्यान से देखेंगे यही प्रोसीजर मुझे हमेशा फॉलो करना है. 1 2 3 4 1 2 3 4 00 11 00 11 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. क्लियर है? अब इन्हीं मैसेज बिट्स के आगे, इन्हीं इंफॉर्मेशन बिट्स के आगे अगर मुझे पैरिटी बिट्स मिल जाए p1 p2 p3, मुझे मालूम है कि 3 पैरिटी बिट्स ही होनी चाहिए. मैं ऑलरेडी यहां से देख चुका हूं. अगर मुझे ये पैरिटी बिट्स मिल जाए तो मेरा कोड वर्ड
रेडी है, आई विल गेट माई इंडिविजुअल कोड वर्ड्स. अब माई टास्क इज टू डिटरमाइन दीज पैरिटी बिट्स. क्लियर है? माई टास्क इज टू डिटरमाइन दीज पैरिटी बिट्स. अब मैं पैरिटी बिट्स कैसे निकालूंगा? What is the procedure for determining the parity bits? ध्यान रखेंगे. देखिए दो तरीके हैं बेटा. पहला तरीका यही है कि आप सिंपल अपनी इंफॉर्मेशन बिट उठाओ और इसको इस पूरे जनरेटर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, आपको सीधे 6 बिट्स का कोड मिल जाएगा. इट इज एन एक्सेप्टेबल मेथड बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि मुझे 6 इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है हर बार. तो बेस्ट तरीका है कि मैं आई नॉट अलग कर लूं और पैरिटी बिट्स अलग से निकालूं. ध्यान से देखेंगे पैरिटी बिट्स कैसे निकालेंगे. मेरे पास पैरिटी की मैट्रिसेस आ चुकी है. इस पैरिटी की मैट्रिसेस को अगर मैं इंफॉर्मेशन की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे. अगर मैं इस पैरिटी की मैट्रिक्स को अपनी इंफॉर्मेशन वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगे. ध्यान से देखिए कैसे कर रहा हूं. सबसे पहले मैं क्या करूं, पैरिटी वाली मैट्रिक्स बना लूं, 0 1 1 1 0 1 1 1 0. क्लियर है बच्चों? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मेरे पास आई नॉट आई वन आई टू तीन बिट्स है तो मैं यहां पर लिख लूं आई नॉट आई वन आई टू. क्लियर? अब बच्चों देखिए ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें सिंगल रो है और 3 कॉलम है यानी कि 1x3. इसमें बच्चों 3 रो है 3 कॉलम है. तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कैसी मैट्रिक्स मिलेगी भाई? n इज द नंबर ऑफ रोस, k इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बोला भी था. तो यहां पर नंबर ऑफ रोस कितनी है, 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1x3. इस मैट्रिक्स की बात करूं अगर तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1x3. जब मैं 1x इसका हो गया 3x3, जब मैं 1x3 को 3x3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल ऑलवेज गेट 1x3. तो ये तो फॉर श्योर है कि मुझे क्या मिलना है और यही मेरी पैरिटीज है. तो मैं निकाल लूं P1 कितना है. ध्यान देखेंगे आपके पास दो तरीके हैं, आप सभी बिट्स को ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ फिर मल्टीप्लाई करो या एक जनरल फॉर्मूला बना लो उससे अपना चार्ट फिल कर लो. ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूं. P1 की वैल्यू आएगी बच्चों आई नॉट इंटू 0 एक्सोर I1 इंटू 1 एक्सोर I2 into 1. ध्यान से देखिए I0 into 0 XOR I1 into 1 XOR I2 into 1. इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट 0 XOR I1 XOR I2. क्लियर? मैं साइड में लिख रहा हूं, मुझे P1 मिल गया है. P1 is I1 XOR I2. ऐसे ही आई कैन डिटरमाइन P2. बच्चों P2 क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? P2 विल बी I0 into 1 XOR I1 into 0 XOR I2 into 1. P2 को सॉल्व करूंगा तो आई गेट I0 XOR I2. क्लियर? ऐसे बच्चों अगर P3 को सॉल्व करूंगा तो मैं सीधे लिख रहा हूं आई गेट I0 XOR I1. फाइन? तो यहां से आई कैन डायरेक्टली कंप्लीट दिस मैट्रिसेस. फाइन? आपको लॉजिक समझ में आ गया कैसे कंप्लीट करूंगा? P1 मुझे लिखना है. P1 में P1 इज I1 XOR I2, तो I1 XOR I2. ये वैसे भी सब जीरो ही आएगा बिकॉज यू हैव ऑल जीरो I0 I1 I2. इस मैसेज के लिए आएगी, दिस इज 1. सेकेंड के लिए I0 इज 0, मुझे जरूरत नहीं है. मैं पहले P1 निकाल रहा हूं, P1 के लिए आएगी I1 XOR I2, I1 XOR I2, तो 0 XOR 1, आई गेट 1. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो आंसर 1 आएगा, अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो आंसर 0 आएगा.
T2 is I not XOR I2. T2 is I not XOR I2. 0 XOR 1, again I get 1. P3 is I not XOR I1. I'll get 0. Clear? एक और solve कर देता हूं आपके लिए, बाकी आप chart complete कर लोगे. Third code solve कर देता हूं. P1 will be I1 XOR I2. I1 XOR I2. This will give me I1 XOR I2. 1 XOR 0 is 0. Then we'll have I not XOR I2. Again 0. Then we have I not XOR I1. 0 into 1. This will give me 1. Clear? ऐसे we can fill the complete chart. Once we complete this chart, यहां पर I get my code words. These are my code words. C1, C2, C3, C4. तो मैंने देखा बच्चों, C1 मुझे क्या मिल गया? This is my C1. My C1 code is 000000. देखिए, all zero code is a part. This is a linear code. पहली property satisfy हो रही है. सभी properties अच्छे satisfy हो रही है. दूसरा code word क्या है? 001110. Clear? तीसरा code word क्या है? 010001. ऐसे ही ये एक आपका काम है, आपको चेक करना है. सभी आप 8 कोड वर्ड निकाल लोगे. उसके बाद बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी भी चेक कर लीजिएगा. कोई भी 2 कोड वर्ड उठाइएगा और उनका एक्सोर करके देखिएगा, आपको थर्ड कोड वर्ड मिल जाएगा. क्लियर है? आई होप ये कंप्लीट कर लोगे. मैं एक और कंप्लीट कर देता हूं, लास्ट वाला पार्ट. P1 इज I1 XOR I2. तो 1 XOR 1, even is 0. Every time I not is I not I2. You'll get 0. Clear? I hope clear होगा. So I have completed 4 code words. बाकी का rest आप पूरा कर लोगे. तो you have seen कि कैसे generator matrix मुझे code word generate करके दे रही है. क्लियर है? जनरेटर मैट्रिक्स नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसका काम होगा कोड वर्ड्स को जनरेट करना. तो मैंने देखा कि अगर मुझे किसी लीनियर ब्लॉक कोड के लिए जनरेटर मैट्रिक्स दी है, तो मैं कैसे सारे कोड वर्ड्स जनरेट कर सकता हूं. इज इट ओके? आई होप क्लियर होगा. प्लीज इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई थिंक यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम. It was perfectly all right. In case you have any doubt, you can drop in your doubts in the comment section. Fine. Abhi hum next article pe jayenge. That is my parity check matrix. Dekhiye, hamara error detecting and correcting code ka logic kya tha? We had to find a code word and decode it and identify whether it was a valid code word or not. Acha, ek cheez aur bachcho, agar yahan se W minimum ki baat karo, W minimum. तो ऑल जीरो की एक तो बात ही नहीं करूंगा, ऑल जीरो के लिए तो लूंगा ही नहीं. इसके लिए डब्ल्यू मिनिमम क्या होगा? नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 3. तो इसके लिए 3 हो जाएगा. इसके लिए नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 2. तो इसके लिए 2 हो जाएगा. ऐसे आप किसी भी कोड वर्ड के लिए डब्ल्यू मिनिमम बच्चों कैलकुलेट कर सकते हो. क्लियर है? प्लीज इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा. इससे आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अब हम चल रहे हैं जनरेटर मैट्रिक्स होने के बाद पैरिटी चेक मैट्रिक्स. This is again a very important part. Parity check matrix के help से we'll be able to check whether the given matrix या the given code word that we have determined is correct or not. Fine. तो parity check में matrix में सबसे पहले हमें देखना है कि इसका nomenclature और notation क्या है. तो बच्चों parity check matrix को हम हमेशा capital H से लिखते हैं. Parity check matrix. इसको हम लिखते हैं कैपिटल एच से. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो दिस इज एच इज, ध्यान से देखेंगे बच्चों, पी टी आई एन माइनस के. दिस इज हाउ वी डिटरमाइन दी पैरिटी चेक मैट्रिक्स. आई एम अगेन रिपीटिंग, जनरेटर मैट्रिक्स मुझे दिया होगा, वहां से मैं कोड वर्ड जनरेट करूंगा. कोड वर्ड जनरेट करने के बाद उसी जनरेटर मैट्रिक्स की हेल्प से मैं पैरिटी चेक मैट्रिक्स निकालूंगा. यहां पर ध्यान देंगे, पीटी इज दी
ट्रांसपोज ऑफ पैरिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ पैरिटी मैट्रिक्स मतलब मैंने जो पैरिटी मैट्रिक्स निकाली थी मुझे उसी पैरिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, दैट विल बी माय पीटी। क्लियर है? चलिए अब अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो अगेन ऑर्डर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज एन माइनस के क्रॉस एन, दिस इज द ऑर्डर, प्लीज नोट इट डाउन एंड मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दीज ऑर्डर्स, फाइन। चलिए तो अगर मुझे एच ट्रांस एच पैरिटी चेक मैट्रिक्स बनानी है तो मुझे सबसे पहले वो पैरिटी मैट्रिक्स चाहिए जो मैंने इससे पहले बनाई थी, तो प्लीज आप वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लो एंड राइट डाउन दी पैरिटी मैट्रिक्स जो आपने वहां से बनाई थी। क्लियर है? पैरिटी मैट्रिक्स वॉज दिस वॉज 011 011 then 101 101 and then 110 110, this was the parity matrix जो हमने design की थी। clear है? अब transpose निकालना है मुझे, transpose का मतलब होता है बच्चों rows को column और columns को row में convert करना। ध्यान देंगे हम 6,3 इस port पे चल रहे हैं, ठीक, n was 6 k was 3, तो मेरा इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, n माइनस k इज 3 क्रॉस 6। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी पैरिटी चेक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आने वाला है, तो बच्चों ऑर्डर आने वाला है 3 क्रॉस 6। ये सभी लोग अगर ऑर्डर याद रखेंगे तो आपको पता होगा कि आंसर किस फॉर्म में आना है। अब मुझे p का ट्रांसपोज निकालना है, तो p के ट्रांसपोज का मतलब रोज एंड कॉलम्स को मैंने इंटरचेंज कर लिया, 0 वन 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 जीरो वन एंड वन वन जीरो, दिस इज माई पी ट्रांसपोज। क्लियर है? अच्छा, अगर पी ट्रांसपोज आ गया है तो आई नीड टू फाइंड एच, एच बच्चों कितना होगा, एच इज नथिंग बट पी ट्रांसपोज मैंने अभी निकाला 101 110। क्लियर? दिस वॉज माई पी ट्रांसपोज 011 101 and 110। क्लियर? अब यहां पर बाई चांस सिमेट्रिक केस आ गया है तो आपको पी और पी ट्रांसपोज एक जैसा दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा मैंने रोज एंड कॉलम्स को चेंज किया है, फाइन। चलिए और इसके साथ मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगानी है एन माइनस के मतलब 3 क्रॉस 3 का मतलब 100 010 001, this will be my h, this will be my h। क्लियर है? तो ऐसे बच्चों हम पैरिटी चेक मैट्रिक्स निकालेंगे, फाइन। अब द सेम क्वेश्चन, पैरिटी चेक मैट्रिक्स की क्या जरूरत थी? अब देखेंगे बच्चों पैरिटी चेक मैट्रिक्स से क्या फायदा है। मेरे कोड वर्ड की एक प्रॉपर्टी होती है दैट c इंटू h ट्रांसपोज इज ऑलवेज 0, यू हैव टू लर्न दिस प्रॉपर्टी, C into H transpose is always 0। क्लियर है? जब हम सिंड्रोम कैलकुलेट करेंगे तो भी हम इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करेंगे। बेसिकली होता क्या है बच्चों, G into H transpose is 0। आप चाहें अगर तो जनरेटर मैट्रिक्स को H transpose से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, बल्कि आई वुड सजेस्ट कि पॉज द वीडियो, थोड़ा पीछे जाइए, जनरेटर मैट्रिक्स लिखी हुई है, H मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका ट्रांसपोज आप लिख सकते हो, G इंटू एच टी निकालो, यू विल गेट एन ऑल जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? दिस इज यही रीजन है कि वाई वी प्रिफर मैट्रिक्स मेथड्स फॉर कोडिंग एंड डीकोडिंग लीनियर ब्लॉक कोड्स स्पेसिफिकली हैविंग कोड्स, बिकॉज दे नेचुरली लेंड देमसेल्फ टू मैट्रिसेस कैलकुलेशंस। क्लियर है? चलिए H आपके पास है तो आप H ट्रांसपोज लिख सकते हो, आई गेस इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। H ट्रांसपोज मतलब इसके, चलिए यहां पर देख भी लीजिए जिसको यहां पर कंफ्यूजन था, मुझे रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, तो दिस इज माय फर्स्ट रो, दिस विल बिकम माय फर्स्ट कॉलम, 0 1 1 1 0 0, यहां पर हो जाएगा बच्चों 1 0 1 0 1 0, यहां पर हो जाएगा 1 1 0 0 0 1, दिस इज माय एच
ट्रांसपोज मैट्रिसेस। क्लियर है? दिस मैट्रिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डीकोडिंग। कैसे करता है बच्चों वो देखते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका ऑर्डर लिख लीजिए, कैसे बनाते हैं ये लिख लीजिए। अब हम डिकोडिंग वाले पार्ट में आ रहे हैं। चलिए, डिकोडिंग लीनियर ब्लॉक कोड की हम एक सिंड्रोम की हेल्प से करते हैं। हम बच्चों एरर सिंड्रोम निकालते हैं। एरर सिंड्रोम मैं आपको बताता हूं ये कैसे निकलेगा। हम क्या करते हैं, अपने रिसीव्ड कोड वर्ड को एच ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? अच्छा, रिसीव्ड कोड वर्ड लास्ट लेक्चर में, लास्ट में मैंने लिखा था v इज इक्वल टू सी प्लस ई। प्रीवियस लेक्चर में आपको दिख जाएगा, तो v की जगह मैं लिख दू सी प्लस ई इंटू एच ट्रांसपोज। क्लियर है? चलो, अगर मैं इसको ओपन करूं तो आई गेट c इंटू एच ट्रांसपोज प्लस e इंटू एच ट्रांसपोज, वेयर e इज माई एरर वेक्टर। एरर वेक्टर ध्यान देंगे बच्चों, e इज माई एरर वेक्टर। जैसे मेरा 6.3 का कोड था, तो सिंगल प्लेस के एरर की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मैं एरर वेक्टर बनाऊंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस स्पेस इज माई एरर स्पेस। ठीक, दिस इज माई एरर वेक्टर स्पेस। यहां पर बच्चों पहली पोजीशन, अच्छा एक और पोजीशन हो सकती है कि कहीं पर एरर ना हो। वन इज सिग्निफाइंग द पोजीशन ऑफ द एरर। अगर इस पोजीशन पर एरर है, जिस भी पोजीशन पर बच्चों एरर है, वहां पर बस वन लिख देना है। अभी आगे देखेंगे हम कि कैसे मुझे ये एरर हेल्प कर रहा है। क्लियर? चलिए, अब यहां पर देखिए, हमने जस्ट अभी आपको बताया एक प्रॉपर्टी c into ht is zero, तो what I get is v into ht is e into ht। मतलब ये मुझे चेक करके बताएगा कि एरर है या नहीं। इसी को हम लोग सिंड्रोम वेक्टर बोलते हैं, या सिंड्रोम स्पेस, सिंड्रोम वेक्टर, सिंड्रोम मैट्रिसेस, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है? इसमें हम क्या करते हैं, अपने रिसीव्ड कोड वर्ड को, मुझे क्वेश्चन में एक रिसीव्ड कोड वर्ड दिया होगा, ध्यान से देखेंगे बच्चों, मुझे क्वेश्चन में एक रिसीव्ड कोड वर्ड दिया होगा, मुझे उस रिसीव्ड कोड वर्ड को एच ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। मुझे उस रिसीव्ड कोड वर्ड को एच ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू मेरे एच ट्रांसपोज के किसी ना किसी पार्ट से कंसाइड करेगी। ये डेड श्योर है कि किसी ना किसी पार्ट से वो कंसाइड करेगी। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मान लीजिए मुझे मिला 010, तो मैं देखूंगा कि 010 कहां पे, तो 010 बच्चों मुझे यहां दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 टॉप से फिफ्थ पोजीशन पे। दैट मींस मेरा जो भी रिसीव्ड कोड वर्ड है उसके फिफ्थ पोजीशन पर एरर है, तो मुझे उस फिफ्थ पोजीशन को कॉम्प्लीमेंट करना है। अभी मैं एक न्यूमेरिकल करूंगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आई गेस क्लियर होगा, लॉजिक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एंड क्वेश्चन से आई गेस आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए, दिस इज माई एच ट्रांसपोज, एंड इसको रब करके मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूं। उस क्वेश्चन में अब मैं पूरा करूंगा, जितना मैंने पढ़ाया है वो पूरा पार्ट आई कवर विद अ सिंगल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूरा बच्चों 10 नंबर का आता है। इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और जितना भी आपने पढ़ा है सबका आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। चलिए बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन। एक 6.3 का मुझे कोड दिया हुआ है, लीनियर ब्लॉक कोड, जनरेटर मैट्रिक्स दी हुई है, एंड मुझे निकालना है एरर अगर ये रिसीव्ड कोड वर्ड। क्लियर है? अगर ये रिसीव्ड कोड वर्ड है तो मुझे एरर निकालनी है। तो बच्चों एरर कोड, एरर निकालने के लिए मुझे v इंटू एच ट्रांसपोज निकालना है। क्लियर? और एच ट्रांसपोज निकालने के लिए मुझे
जी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, जी मुझे मालूम है आई के इंटू पी, जी मेरी होती है आई के इंटू पी, तो यहां से मैं पैरिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूं। पैरिटी मैट्रिक्स मेरी होगी 1 0 1 0 1 1 1 1 0, क्लियर है? यहां से मैं पैरिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूं। पैरिटी मैट्रिक्स लिखने के बाद बच्चों मैं कोड वर्ड लिख सकता हूं, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है बट आप निकाल के देख लेना। कोड वर्ड के लिए मुझे क्या करना है, आई नॉट आई वन आई टू को अपनी पैरिटी मैट्रिक्स जो मैंने अभी निकाली है ये इससे मल्टीप्लाई करना है एंड आई गेट कोड वर्ड्स, ठीक है ना? ये आप निकालेंगे, हम अभी देख चुके हैं कैसे निकालते हैं, इट्स वेरी सिंपल, पूरा चार्ट बन के आ जाएगा, ठीक है? अब मुझे चाहिए एरर चेक करना है सिंड्रोम से, दिस इज सिंड्रोम। तो सिंड्रोम कैलकुलेट करने के लिए मुझे एच ट्रांसपोज चाहिए, बट एच ट्रांसपोज के लिए मुझे पैरिटी चेक एच चाहिए। तो एच का बच्चों ऑर्डर होता है पी टी इंटू आई एन माइनस के, दिस इज दी ऑर्डर। तो पी मेरे पास है, मैं पी का ट्रांसपोज बना लू, पी का अगर मैं ट्रांसपोज बनाऊंगा तो 1 0 1 0 1 1 1 1 0, क्लियर? ये मेरा पी का ट्रांसपोज बन जाएगा, वही आया जैसे पहले था, साथ में आई एन माइनस के, एन माइनस के मीन्स आई थ्री, तो मुझे 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ में ऐड करनी पड़ी, दिस गिव्स मी माय एच। यहां से बच्चों मैं एच ट्रांसपोज निकालूंगा, एच ट्रांसपोज का मतलब मुझे रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0 0, क्लियर? एंड 0 1 1 0 1 0, एंड यहां से आ जाएगा बच्चों 1 1 0 0 0 1, दिस विल बी माई एच ट्रांसपोज। अब बच्चों एच ट्रांसपोज, दिस इज माई एच ट्रांसपोज, अब मुझे क्या करना है, एच ट्रांसपोज को रिसीव्ड कोड वर्ड से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखेंगे बच्चों, पूरा प्रोसेस ध्यान से देखेंगे, 1 0 0 1 1, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। अब ये मेरी मैट्रिक्स है 1x6 की, क्लियर है? ये मेरी मैट्रिक्स है 6x3 की, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो 1x3 का मिलेगा। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, 1 1 इज 1 इंटू 1 इज 1, फिर एक्सोर 1 2 3, 3 टाइम 0 ही रहेगा, 2 एंड 3 टाइम 0 ही रहेगा, फिर 1 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 0 इज अगेन 0, क्लियर? तो दिस विल गिव मी 1। आप देखोगे यहां पर केवल एक बार बना रहा है, ऑड नंबर ऑफ 1, तो दिस विल गिव मी 1, ठीक, फाइन। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 इंटू 0 इज 0, फिर 3 बार 0 है, 1 बार 2 बार 3 बार, देन 1 इंटू 1 इज अगेन 1, 1 इंटू 0 इज 0, अगेन यहां पर एक बार 1 आ रहा है, तो दिस विल बी 1, क्लियर? फिर मैं थर्ड टाइम करूंगा, देखता हूं क्या आता है, तो 1 इंटू 1 इज 1, फिर 3 बार XOR 0 का 1 2 3, एंड देन व्हाट आई हैव, 1 इंटू 0 इज 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 1 इज 1, यहां पर 2 बार 1 आ रहा है बच्चों, तो आंसर 0 आएगा। तो अब देखिए मैंने जो थ्योरेटिकली बताया था उसका यूटिलिटी क्या है, व्हाट आई ऑब्जर्व इज कि ये मेरा सिंड्रोम आया, क्लियर? यही पर बच्चों आपको आंसर चेक करने का भी मौका मिल जाएगा अगर आपने सही किया होगा तो। आपका सिंड्रोम या तो ऑल 0 आना चाहिए, अगर ऑल 0 आ गया दैट मीन्स रिसीव कोडवर्ड सही था, क्लियर? इन केस बच्चों वो ऑल 0 नहीं आ रहा, तब ये सिंड्रोम किसी ना किसी रो से मैच करना चाहिए आपके एच ट्रांसपोज के। ध्यान से देखिएगा, आपका सिंड्रोम एच ट्रांसपोज की किसी ना किसी रो से मैच करना चाहिए। यहां पर किससे मैच कर रहा है बच्चों, 1 1 0, यहां से मैच कर रहा है, क्लियर है? तो टॉप से ये थर्ड पोजीशन है,
तो दैट मीन्स आपका एरर थर्ड पोजीशन पे है, क्लियर है, आपका एरर थर्ड पोजीशन पे। तो बच्चों एरर वेक्टर कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था 0 0 1, फिर 1 2, मैंने आपको बताया था जिस पोजीशन पर एरर होती है, यहां पर एरर वेक्टर मैंने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, जिस पोजीशन पर एरर होती है उस बिट को हाई कर देते हैं, बाकी सब लो रहती है। तो यहां से व्हाट आई गेट इज द एरर पैटर्न। अब मुझे निकालना है, एरर तो मैंने निकाल ली, अब मुझे यह भी निकालना है कि क्या सही कोडवर्ड ट्रांसमिट हुआ था। तो उसके लिए बच्चों जो भी रिसीव्ड कोडवर्ड है, जो भी आपको कोडवर्ड रिसीव हुआ है, दिस वन, आपको उसका एक्सोर करना है एरर के साथ। अगर मैं एक्सोर कर दूं तो 1 देन 3 टाइम्स 0 1 2 3 टाइम्स 0 एंड देन 2 टाइम्स 1। अब एक्सोर ऑपरेशन करूंगा तो 0 एक्सोर 1 विल गिव मी 0, दिस 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 गिव मी 1। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, जीरो एक्सोर वन, सॉरी 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 सॉरी, दिस विल बी ऑड नंबर ऑफ वन से, 1 1 0 1 0 1, दिस वॉज माई करेक्ट ट्रांसमिटेड कोडवर्ड, दिस हैज टू बी माई करेक्ट ट्रांसमिटेड कोडवर्ड। क्लियर है, सिंबल जरूर है बच्चों, ये आपको कॉपी में करके दिखाना पड़ेगा, बट चेक करने का सीधा सा तरीका है, जिस पोजीशन पर एरर है उस पोजीशन की बिट को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यहां पर थर्ड पोजीशन पर एरर थी तो मैंने इस बिट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इस बिट को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, तो अगर आप मैच कराओगे तो ये सेम वैल्यू मुझे मिलेगी। क्लियर है, तो दिस इज हाउ वी कोड एंड डी कोड अ लीनियर ब्लॉक कोड। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, एक बार में नहीं आ रहा है तो प्लीज वॉच इट अगेन एंड अगेन, यू विल डेफिनेटली गेट अ 10 मार्क्स क्वेश्चन इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और बहुत इजी होगा बच्चों, क्लियर है, प्लीज मेक नोट्स ऑफ दिस लेक्चर, स्टे फिट, स्टडी वेल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।